दोस्तों आज मैं एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो एक्सरसाइज कर ली तो आपको 7 दिन के अंदर डेफिनेटली फायदा होगा, 100% गारंटेड फायदा होगा। इसमें आपका बड़ी ही तेजी से मुंह खुलना चालू होगा। जी हाँ दोस्तों, गुटखा खाने के कारण कई लोगों का मुंह बंद हो जाता है और उसके कारण वो तरह के इलाज भी कराते हैं, दवाई भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं होता है। आज मैं एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ, केवल आपने अगर वही एक्सरसाइज कर ली तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अनसपोर्टिंग एक्सरसाइज से होती है, मुंह फुलाना होता है या जबड़े हिलाना होता है, चलाना होता है, वो तो आप गाड़ी चलाते हुए भी कहीं एकांत में मिल जाए तो भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज मैं बताने आ रहा हूँ आपको, दिन में वो 4 बार, कम से कम 4 बार तो करनी ही करनी है। अगर आप ड्यूटी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं या कहीं दुकान वगैरह पे बैठे हुए हैं या मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो इस स्थिति में आप 2 बार एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन टाइमिंग का खास ध्यान रखिए। ये एक्सरसाइज दिन में 4 बार करनी होती है कम से कम, 5 बार भी कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्सरसाइज करते समय आपको करीब 15 मिनट का टाइम देना है। ये एक्सरसाइज आपको 15 मिनट करनी है, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद छोड़ दिया। ये एक्सरसाइज आपको 15 मिनट करनी है। सपोज कीजिए किसी के मुंह में चाट के अगर 20 चम्मच जा रहे हैं, ठीक है, आराम से, तो उसको 21वां चम्मच डाल के पहले दिन से वो एक्सरसाइज चालू करनी है। उसमें 21वां चम्मच डालते उसे दर्द होगा, लेकिन वो 15 मिनट तक चम्मच मुंह के अंदर ही रखना है और एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या करनी है, वो चम्मच मुंह के अंदर रहेगा और मुंह को फैलाना है, उसमें दर्द होगा। अगले दिन जब आप ये एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपको जो पहले दिन आपको 21 चम्मच जो दर्द के साथ जा रहे थे, अगले दिन हो सकता है आपको 19 चम्मच जाएं, लेकिन आप घबराएं ना, वो आप 19 चम्मच से एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आपके 15 मिनट के वो चम्मच आपके फिर 21 चम्मच जाएंगे। इस तरीके से आपको 1 चम्मच बढ़ाकर हर 10वें दिन 1 चम्मच ही बढ़ाना है। ये नहीं है कि तीसरे दिन आपने 1 चम्मच बढ़ाते गए, इससे बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाएगी और फायदे के बजाय नुकसान होगा। जिसमें कई हमारे मित्र ऐसा ही करते हैं कि उन्होंने चाट का चम्मच बढ़ गया तो उन्होंने जितने गए उतने बढ़ा दिए। इसमें 1 चम्मच बढ़ा के आपको एक्सरसाइज करनी है। 10 दिन का आपको टाइम, 10 दिन में आपको केवल 1 ही चम्मच लेना है। इस तरीके आप 10 दिन में 1 चम्मच बढ़ेगा, 20 दिन में आपके 2 चम्मच बढ़ जाएंगे और 30 दिन में 3 चम्मच बढ़ जाएंगे, 3 चम्मच बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा और 4 से 6 महीने के बीच में आपको पूरी तरीके से कवर रहेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज आपको ख्याल करनी है कि थोड़ा सा नारियल का तेल मुंह के अंदर लगा के उसको मुंह को चलाएं, ताकि मुंह के अंदर लुब्रिकेशन वगैरह रहे और थोड़ी सी लार वगैरह बने, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव होगा और वो कुछ खिंचाव को दूर करने के लिए नारियल का तेल आपको लगाना है। और केवल टाइमिंग का आप ध्यान रखिए, चाट के चम्मच दिन में 4 बार कम से कम, 5 बार भी कर रहे हो जाए तो बहुत अच्छा है। 4 बार ही चम्मच आपको 15-15 मिनट के लिए रखने हैं। मान लीजिए कोई 15 मिनट के लिए चम्मच नहीं रख पा रहा है, 1 मिनट या 2 मिनट में उसको मुंह में दर्द होने लगता है, तो वो चम्मच निकाल ले और 5-10 सेकंड का गैप देने के बाद फिर से वो दोबारा चम्मच रख लें। इस तरीके से आपको हर 10वें दिन 1 चाट का चम्मच बढ़ाना है। बहुत ही जल्दी फायदा होगा आपको, बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट दवाई, कोई और टेबलेट आप इलाज के दौरान खा रहे हैं तो आप वो खाते रहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत सूजन वगैरह आ रही है, थोड़ा दर्द होने लगता है, तब भी आपको एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है, चालू रखनी है। हाँ, आपको दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, तो आप किसी डेंटिस्ट को दिखाकर आप एंटीबायोटिक दवाई ले लें, जिससे आपको कवर हो जाए। वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बहुत जल्दी कवर करती हैं, 1-2 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। एक्सरसाइज आपको कितना भी दर्द हो जाएगा किसी भी हालत में बंद नहीं करनी है। और कोई जख्म वगैरह भी अगर आपको होगा तो एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ हैं कई जो आप चीज खा रहे हैं, वो उसमें आपका कवर होता ही जाएगा। यह आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। इस बारे में कोई और भी जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी फायदा ना हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे ब्लॉक भी कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इस तरीके ऐसा कर लिया तो 10 दिन के अंदर आपका 1 चाट का चम्मच बढ़ जाएगा, 30 दिन के अंदर 3 चम्मच बढ़ेंगे लगभग, और इस तरीके से 3 महीने के अंदर आपके 9 से 10 चम्मच बढ़ेंगे। किसी किसी केस में सप्ताह भर में चम्मच बढ़ जाते हैं, किसी किसी केस में 10 दिन के अंदर चम्मच बढ़ना चालू होता है। ये सोटी है, ये कई लोगों पर हमने देखा ही देखा है। आप लोग एक्सरसाइज किए और बाकी अन सपोर्टिंग एक्सरसाइज है आप लोग करते रहें,
जो कि गाड़ी चलाते भी कर सकते हैं, मुंह फुलाने वाली या जबड़ा चलाने वाली वो अलग कर सकते हैं। चाट के चम्मच की एक्सरसाइज आपको 4 बार करनी है। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी अगर 7 दिन के अंदर आपको फायदा नहीं होता तो आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं। ये मैं चैलेंज कर ले रहा हूँ, फायदा आपको हो गई होगा। कोई और प्रकार की जानकारी मुझसे चाहिए तो मुझसे आप संपर्क करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।